दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में कुक विद मी है, रेसिपी इसकी मेरे कुकिंग चैनल पे भी है एंड मेरे इस मेन चैनल में भी होगी। साग बनाने वाले हैं आज हम मक्खन के साथ एंड मक्की की रोटी के साथ, एंड मक्खन की रेसिपी भी है मेरे कुकिंग चैनल पे। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। साग के लिए बेसिकली आज मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ बाथू, जो मुझे बाहर पार्क में मिला था। सो ये ऑर्गेनिक है एंड इसके साथ करेंगे ब्रोकली एंड स्पिनच। एंड साग के लिए मैं देसी साग यूज़ करने वाली हूँ, पर देसी साग हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, तो आप रपीनी लीव्स भी कर सकते हैं। अब ये देसी साग की जो गंदला है उसको प्यार प्यार से छीला जाएगा, काफ़ी समय लगता है इस काम में। सो इसमें हम हस्बैंड की भी थोड़ी हेल्प ले लेंगे एंड हिम्मत की भी, और प्यार प्यार से इसको छील के मज़ेदार कर लेंगे। और काटने के लिए मैं शेफ नाइफ ही यूज़ करती हूँ। बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं ये नाइफ़ कहाँ से लिए हैं। ये मैंने कॉस्को से लिए थे, पूरे नाइफ्स का सेट है, ये सारे नाइफ्स हैं उसमें। शेफ नाइफ है, ब्रेड नाइफ है एंड एवरीथिंग, छोटे नाइफ्स भी हैं। अब प्यार से इसको काटेंगे। एक्चुअली मैंने काटने से पहले धो लिया था एंड पर उसके बाद फिर से मैं धोती हूँ। मैंने बहुत बार सुना है कि काट के पत्तों को धोना नहीं चाहिए, पर मुझे पत्तों से बहुत डर लगता है क्योंकि पत्ते इतने ख़राब होते हैं कि अपने अंदर ना मिट्टी छुपा के रखते हैं समहाउ। और मैं बार बार धोती हूँ क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग कुक करते हैं, और खाते समय अगर मिट्टी आ जाए तो सारा मज़ा हो जाएगा किरकिरा। सो मैं बार बार धोती रहती हूँ। प्रेशर कुकर में कुक करेंगे, पर मैं इसे खुला स्लो कुक ही करती हूँ। सो थोड़ा सा पानी ऐड करके धीरे धीरे पत्तों को ऐड करते जाएंगे एंड उससे पत्ते ना थोड़े पिचकते रहते हैं तो सारा साग प्रेशर कुकर में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं कटिंग का काम भी जारी रखती हूँ एंड धीरे धीरे पत्तों को भी ऐड करते जाएंगे। अभी इसमें मैं सिर्फ डालने वाली हूँ गार्लिक, जिंजर एंड खूब सारी हरी मिर्च, एंड उससे ना पूरे घर में साग की खुशबू फैल गई थी। एंड देखिए आप, खूबसूरत लग रहा ना। अभी बाकी चीज़ें भी ऐड करनी बाकी हैं। बाथू को भी मैंने बहुत अच्छी तरह धोया है एंड इसको भी ऐड कर देंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट है ये बहुत खूबसूरत सी पालक, एंड अब हमारा हो गया है डन। अब इसको हम होने देंगे कुक। But it just ain't the same in sunshine or rain. I love to see the world with you. Oh, I love to see the world with you. On a highway road, all is sacred, you know. एंड साग बनाने के लिए जब आप तैयारी करते हैं ना, इतना कचरा फैल जाता है ना किचन में, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या कर लिया है आपने। सो या काउंटर्स को क्लीन कर देंगे। आप पीछे साग की सुन रहे होंगे ना, साग को मैंने रखा था अराउंड 11-12 बजे एंड समय हो गया है 7 एंड स्लोली कुक हो रहा है। अब हम इसको कोटेंगे बहुत ही प्यार के साथ एंड साग को कोटने के लिए मेरे पास एक प्यारा अच्छा तरीका है। आपको प्रेशर निकाल के खोल लेते हैं। हाँ,
बहुत लंबे समय के बाद साग बनाने वाले हैं आज, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे फ्रेश बाथू मिल गया था ना, जैसे मैंने आपको अर्लियर दिखाया। समय ना मैं अच्छा प्यारा स्पिरिचुअल म्यूजिक लगा के रखती हूँ ताकि फूड स्वादिष्ट बने एंड फूड में अच्छी एनर्जी आ जाए। अगर आप गा सकते हैं तब भी अच्छा है, नहीं तो आप बजा सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट। हे गूगू स्टॉप। सो मक्की का आटा लूँगी मैं, इसको मैं गर्म पानी में कॉली में मिक्स करके थोड़ा बैटर बना लूँगी, क्योंकि अगर आप सीधा आटा डाल देते हैं या तो फिर आपको स्प्रिंकल करना पड़ता है, कोटना पड़ता है, जो मेरे हाथों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे हाथों में जान थोड़ी कम है। दूसरी चीज़ है, इतना ज़्यादा आपको अच्छी तरह करना पड़ता है कि लम्ब्स नहीं बने। अगर आप इसको पानी में पेस्ट बना के डालेंगे तो लम्ब्स बनने का खतरा हो जाएगा ख़त्म। ये मुझे बहुत आसान मैथड लगा जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है। मैं नॉर्मल तरीके से अलन नहीं लगाती हूँ, अलन नहीं डालती हूँ। सो जल्दी से ये करते हैं। सो अगर आपके साग में पानी बहुत ज़्यादा हो तो साग का पानी ही निकाल के कर लें आप, पर अगर साग में पानी इतना ज़्यादा नहीं है तो आप बाहर कर सकते हैं ये काम। सो मैं एक क्रश लेने वाले क्योंकि पूरा कुकर भर के साग है, एंड इससे थोड़ा सा और ले लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं गर्म पानी ऐड करके, अच्छा प्यारा पेस्ट। और इसे धीरे धीरे ऐड, धीरे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वैसे इसे एक के बाहर कर दें, पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्ब्स नहीं रह जाए। आप विस्क यूज़ कर सकते हैं, फोक यूज़ कर सकते हैं, हाथ कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, पर बिकीज में गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ तो मैं कड़छी के साथ ही कर लूँगी। थोड़ा और पतला कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें तो। अब ये अच्छा पेस्ट बन गया, इससे अलन अच्छा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा पानी और ऐड करने वाली हूँ। बाय द वे तो साग को कोटने के लिए ये मदानी जैसी है मेरे पास, इसे यूज़ करेंगे। तड़के की भी तैयारी करनी है अभी मुझे। सो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, अराउंड डेढ़ कड़छी, एंड मिक्स करना शुरू करते हैं प्यार प्यार से। वैसे इस काम के लिए मैं बहुत बार हस्बैंड के मजबूत हाथ यूज़ करती हूँ, पर वो मिसिंग है, हेयर कट करवाने के लिए गए हैं। एंड दूसरी चीज़ है कि जो लोग मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं या यू नो वो इलेक्ट्रिक मदानी से कर लेते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि उससे बहुत पतला हो जाता है। जो इसकी क्लासिक कंसिस्टेंसी होती है ना वो मर जाती है, बहुत बारीक हो जाता है वो, मिनो ना फिर नकली सा लगना शुरू हो जाता है। तो इसे कोट कोट के जो फ्लेवर बनता है उसका अलग ही मज़ा है। ब्रेक लेती जाऊँगी क्योंकि हाथ मेरे दुखने शुरू हो जाते हैं जल्दी। साग इतना स्मूद है स्लो कुक करने से कि जल्दी हो जाएगा मिक्स। आज तो मैं हिम्मत को सिखा रही थी कि गंदला कैसे साग को कैसे साफ करते हैं, मुझे कह रहा कि तू इतनी मेहनत क्यों करती हो, साग को क्लीन करना कितना मुश्किल काम है। कह रहा रहने दो तुम, कुट कर दो। मेरा डैडी इतना भी डिजर्व नहीं करता कि इतने प्यार से बना बना के खिला रही हूँ उसको। कह रहा आम सही कि स्टिल कुट कर दो। मैं कह कि नहीं, कह रहा फिर मैं कर रहा हूँ। हस्बैंड आज अर्ली क्रिकेट खेलने के लिए गए थे तो बोल रहा कि जब वो क्रिकेट खेल के आएगा तो वही अपने साग को करेगा, पर वो बेचारा करता रहा मेरे साथ क्लीन, वेस्टेज ही कर रहा था ऐसे तो वो। पर जैसे ही हस्बैंड घर आए कह रहा कि तू पानी पूनी मत पीना, सीधा साग क्लीन करना शुरू कर दे जो खाना है। तो यार और करूँगी मैं, थोड़ा गैस ऑन कर देती हूँ, एंड दूसरी चीज़ है मक्खन बनाना शुरू कर लेते हैं हम। So, कल हम गए थे इंडियन ग्रॉसरी, वहाँ से लेके आई हूँ मैं मार्बल का चकला। मैं बहुत देर से लेना चाहती थी, मुझे लग रहा है मेरे पास में शायद लिया होगा एंड टूट गया, पक्का शोर नहीं है। इंडिया से लेके आना बहुत मुश्किल है कि तो टूट जाता है, उतना बहुत हैवी है और मुझे लगता है ये मेरे लिए अच्छा साइज है, अच्छा है। मक्खन के छोटे डब्बे से बनाऊंगी क्योंकि आज आज के लिए चाहिए मुझे कल के लिए, क्योंकि फिर खराब भी हो जाता है, इतना मक्खन खाते हुए। Work is too much, acting
Getting crazy is easy and calming down ain't no fun. Now I'm finished, but you know I ain't done. Don't act like it's so easy. Don't tell me it's so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be showing off. I'm gonna tell the truth. मक्खन बनाया तो ये बटर मिल्क निकला है. मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा दही डाल के बटर मिल्क वाली लस्सी बना लेते हैं. थोड़ा दही एंड पानी डाल के लेके आई हूँ और चम्मच बहुत छोटा है. प्यारी ये बटर मिल्क लस्सी बनाई है. कितना बढ़िया साफ है. बहुत बढ़िया प्यारी. तो इंडिया नहीं मिले आप एक बटर मिल्क लस्सी. मदर मिल्क बटर मिल्क मीठा मदर मिल्क मक्खन गड्डन तो जरा मिल्क ही नहीं पचता बटर मिल्क. पहली बार ना मैंने पानी गरम पानी डाला है मक्की की रोटी में. मैं वैसे ठंडा डालती हूँ उसको मुझे अच्छा लगता है काम. लेट्स सी. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उबलते पानी के साथ करते हुए. मैं सोचा आज मैं भी टेस्ट करती हूँ. कह रहे इससे रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है. ओके सो रोटी मेरी तैयार है एंड साग. बहुत स्वाद दस्यो दस्यो मैनू कि तुम इंडिया ना स्वादिष्ट साग मिलिया ही के नहीं मिलिया ही. मैनू लगता नहीं मिलिया होना. बाहर आ लगियां अभी बाहर आ ही लगियां अभी. सो हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया है. क्विकली मैंने आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है. एंड आटा गर्म पानी से गुनना मुझे लग रहा गलती थी. मुझे रोटी बनाने में मुश्किल हो रही है क्योंकि अजीब सा गुई सा हो गया है. अभी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा दूसरा आटा ऐड करके ठंडे पानी में गुन लूँ ताकि आसान हो जाए. एंड सो वो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि गर्म पानी से चुकी है खाने के लिए. हस्बैंड के रिव्यूज अच्छे हैं.
मैं आपको अपने रिव्यूज़ बताती हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने बार भी हमने इंडिया में साग खाया ना, बहुत मज़ा नहीं आया, लाइक बहुत अच्छा नहीं था। साग इतना डिलिशियस एंड इतना रिच एंड इतना क्रीमी है, जब मैं खेतों तो मैं ही तोड़ के लिया, मुझे साग ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वैसे, पर अपना अच्छा लगता मुझे। मेरे हस्बैंड को किसी का भी साग दे दो, ही रियली लाइक्स इट। बट मैं एक बुर्गी एक कोट दिल नू ठंड पा देने वाला मील है, आराम ना खाती हूँ बैठ के। ओह गॉड, हाउ कुड ही यार ये। So it's for the best if you come clean. Okay, दोस्तों तो कुक विद मी वीडियो डन हो चुकी है, हमने खा लिया है, घर को क्लीन कर दिया है एंड आलतू फालतू से दो चार काम भी कर लिए हैं मैंने। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे साग बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कुकिंग चैनल पे जाके रेसिपी देख लें, सेम रेसिपी को ही फॉलो करती हूँ मैं। मोस्ट प्रोबेबली हर बार मेरा साग अच्छा बनता है। सो 10:30 हो चुके हैं, यूजली हम लोग बेड पे चले जाते थे 9 बजे, पर अभी समर वेकेशन चल रहा है तो लेट हो जाते हैं हमेशा, पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिन से मुझे अच्छी नींद नहीं आई है। कोई कोई दिन होता है मुझे अच्छी नींद आती है, पर यह अभी अच्छी नहीं आ रही है। सो आज मैं सोच रही हूँ कि शायद अच्छी नींद आ जाए, कोशिश करेंगे, रब को प्रेयर करेंगे एंड पर कई कई बार मुझे ठीक ठाक नींद आ जाती है कि मैं अगले दिन फ्रेश हूँ एंड आज मुझे लग रहा है कि सो पाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं एंड कुक करना मैंने बहुत अर्ली शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं और हिम्मत थ्रिफ्ट स्टोर चले गए ये छोटी मोटी चीज़ें पिक करने के लिए एंड उसके बाद मैं और हिम्मत टिम हॉर्टन्स में भी गए थे थोड़ी सी लंच ब्रेक के लिए। मैंने और हिम्मत ने ड्रिंक पी वहाँ पे एंड हमने थोड़ा आज मी टाइम स्पेंड किया मम्मी इंसान एंड उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि जल्दी घर आ जाओ एंड मेरा नहीं तो डिबिना गुजारा हो रहा। आपको पता है कि मेरे पैरों में एंड हाथों में आर्थराइटिस की पेन होती है एंड मेरे पास पहले ना अंडर आर्मर की बहुत प्यारी सी चप्पल थी और जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता था। वैसे वो कोई आर्थराइटिस के लिए नहीं थी, नॉर्मली कुछ नहीं थी, मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे शो करूँगी, पर फॉर सम रीज़न वो फट गई। लाइक चप्पल तो काफ़ी समय चल जाती है, वो 5-7 महीने में बेचारी फट गई। ऐसे लग रहा जैसे बहुत ही गरीब हूँ मैं, एनी लाइक $50 की मुझे लग रहा मैंने खरीदी इतने पैसे ला के। तो अभी मैं सोच रही थी दोबारा खरीदूँ सेम, पर मैंने नहीं खरीदी है। सो जिस दिन अमेज़ॉन पे प्राइम डे चल रहा था तो मैंने ये वाली ख़रीदी है, ये आर्थराइटिस फीट के लिए है, आज ही आई है एंड पर इसमें काफ़ी जगह पे कुशन है लाइक यहाँ पे एंड बम्प्स हैं जहाँ पे पेन होती है उसको रिलीफ देने के लिए। आई डोंट नो, फर्स्ट डे है, डिफरेंट चप्पल है तो मुझे फ़िलहाल इतना मज़ा नहीं आ रहा है, शायद थोड़ी देर लगेगी आदत पड़ने के लिए। अगर आप ये चप्पल ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं एक्चुअली मैंने ना अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट बना लिया है, जो भी चीज़ें मैं अमेज़ॉन से ख़रीदती हूँ और मुझे अच्छी लगती हैं वो सारी मैंने उसमें ऐड कर दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी ताकि जो भी मेरे घर में चीज़ें चलती रहती हैं आप उसको ख़रीदना चाहें तो आप डायरेक्ट उस स्टोर में जाके चीज़ें ख़रीद सकते हैं। सो मैंने बहुत मेहनत करके सारा कुछ इकट्ठा करके एक जगह पर डाल दिया, नींद आ रही मुझे। ओके गाइस, सो जाती हूँ मैं, आपको मिलती हूँ कल नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा एंड फिर आपको मेरी आने फ्यूचर में आने वाली वीडियोस नहीं मिल एंड फिर आपको मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस नहीं मिलेंगी जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एंड वीडियो के एंड में एक चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है ना किसी भी बंदे की या कोई भी सिचुएशन, ज़्यादा सोचे मत एंड चिंता मत करें, क्योंकि हर चीज़
लाइक बहुत लंबे समय के लिए नहीं चलती है, टेम्परेरी होती है. आज कोई बहुत बड़ी लग रही है पर फ्यूचर में नहीं लगेगी. एंड अगर कोई आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं और उनकी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, सीरियस मत लें, इतनी टेंशन मत लें, क्योंकि लोग वही निकाल सकते हैं अपने अंदर से जो उनके अंदर है. वो अच्छा होगा तो अच्छा निकालेंगे, बुरा होगा तो बुरा. आपके ऊपर है कि आपको चीज़ें कैसे लेनी है. आप बहुत आसानी से उसको इग्नोर करके अपने तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके अंदर चलता है उसके बॉस आप हैं. एंड बाहर की सिचुएशन, लोगों का बिहेवियर, लोगों की बातें आपको तभी इफ़ेक्ट करेंगी जब आप उसको इफ़ेक्ट होने देंगे. अगर आप अपने बॉस हैं एंड आप डिसाइड करते हैं कि बाहर की चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी. सो चिंता मत करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. सिचुएशन बुरी है तो चेंज हो जाएगी. अगर टॉक्सिक लोग हैं आपके पास तो अफेक्ट मत होने दें. जल्दी मिलते हैं आपको नए वीडियो में. अपना ख्याल रखें. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय.